एमपी समेत पूरे देश में पारा चढ़ता ही जा रहा है। बढ़ती गर्मी से लोगों का जीना दुश्वार होता जा रहा है। जहां पे कुछ लोग कूलर और एसी से गर्मी को भगाने की कोशिश करें, तो वहीं दूसरी तरफ टीकमगढ़ में कुटेश्वर धाम में लोग अलग ही तरीके से गर्मी को दूर भगा रहे हैं। 12 साल से लेकर 60 साल के बुजुर्ग यहाँ पे नदी में जमकर तैराकी करते हैं और अलग अलग कसरत करते हैं। डॉक्टर्स का भी कहना है कि तैराकी अपने आप में एक शानदार कसरत है और इससे जहाँ पे सारे जोड़ों की कसरत होती है तो मांसपेशियां भी मजबूत होती है, मोटापा कम होता है। देखिए हमारे सहयोगी सूर्य प्रकाश गोस्वामी की रिपोर्ट। जॉइंट्स के ऊपर जो वेट आ रहा है उसको कम कर देता है, और स्विमिंग करने से आपके शरीर के सारे जॉइंट्स एक साथ या जिस प्रकार की भी आप स्विमिंग कर रहे हैं उसमें करते हैं, तो आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और अगर कैलकुलेशन के आधार पर देखा जाए तो एक सामान्य 30 मिनट की वर्कआउट से 250 से 450 तक किलो कैलोरीज आप कैलोरी बर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी मांसपेशियाँ और बाकी जो जॉइंट्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, आपके पेट की जो मांसपेशियाँ उनकी भी हेल्प बढ़ती है। और एजेड लोगों के लिए तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है नॉर्मल वॉकिंग से जॉइंट्स के ऊपर जो प्रेशर आता है वो स्विमिंग के दौरान नहीं आता है। तो स्विमिंग एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है, और ख़ासकर ऐसे गर्मी के मौसम में पानी का जो स्पर्श होता है वो आपके मन में भी मानसिक जो एक स्ट्रेस है गर्मी का उसको भी रिलीव करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो बहुत अच्छी चीज़ है। देसी वाटर वर्कआउट के जरिए लोग स्वस्थ रहने और फिट रहने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम खड़े हुए हैं कुंडेश्वर धाम की नदी पर, जहाँ पर आप पीछे मेरे देख सकते हैं किस तरह से लोग जल क्रीड़ा कर रहे हैं, तमाम प्रकार की कसरतें कर रहे हैं। नदी में कूदना है, तैरना है, गोता लगाना है, और यहाँ पर देखा गया सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक लगातार लोग जल क्रीड़ा करते हैं और कसरत के द्वारा अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। देखा गया कि जो है लोग जो जल क्रीड़ा करते हैं इसमें तमाम प्रकार की जल क्रीड़ाएँ करते हैं, जैसे लंबा तैरना है, गोता लगाना है, कूदना है, छलांग लगाना है, ये तमाम प्रकार की जल क्रीड़ा करने से तो इससे कसरत होती है और लोगों का शरीर स्वस्थ एवं फिट रहता है। और वैसे भी देखा गया है गर्मी काफ़ी तेज़ पड़ रही है, टेम्परेचर 45 से 46 पहुंच रहा है। इसको देखते हुए भी लोग गर्मी से राहत पाने के लिए भी घंटों घंटों पानी में तैरते हैं और आनंद लेते हैं। वहीं डॉक्टरों का भी कहना रहा कि देसी वाटर वर्कआउट में कसरत करने से, जल क्रीड़ा करने से लोगों को तमाम प्रकार की बीमारियों से लाभ होता है। इसमें तनाव है, डिप्रेशन है एवं तमाम जो शारीरिक बीमारियां हैं उनसे लाभ होता है। सूर्य प्रकाश गोस्वामी, NDTV न्यूज, टीकमगढ़। मैं वर्तमान में कैंसर पीड़ित हूं और मेरे कीमो लग रहे हैं जिसमें अत्यधिक गर्मी होती है, उससे निजात पाने के लिए डॉक्टरों की सलाह पर मैं प्रतिदिन 1 घंटे अपने जल में व्यायाम करता हूँ और कसरत हो जाती है, तैरता हूँ। इसमें विभिन्न तरह की बीमारियों से निजात पाने के लिए कैंसर हॉस्पिटल, जवाहर कैंसर हॉस्पिटल भोपाल और इंदौर के डॉक्टरों की सलाह पर मैं प्रतिदिन जो है यहाँ आता हूँ, और 1 घंटे की कसरत से मुझे बहुत राहत है और उसकी जो कीमो के जो रिएक्शंस हैं गर्मी हैं उससे किसी भी तरह की कोई हमें दिक्कत नहीं हुई। मेरे 4 कीमो लग चुके हैं। मैं इसलिए सबको सलाह दूंगा कि प्रतिदिन जल क्रीड़ा अवश्य करें, उससे अच्छा व्यायाम कुछ भी नहीं है। पानी में कसरत करने से शरीर स्वस्थ रहता है। तो कई डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि सुबह से तैरना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, और मांसपेशियों में जो कमजोरी रहती है उसका भी थोड़ा अच्छा संतुलन होता है। और सुबह से अधिकतर सभी लोग योगा, व्यायाम, तैरना तो अधिकतर लोग सुबह से करते हैं। आप कितना टाइम कसरत करते हो? हम रोजाना 1.5 घंटे के करीब करते हैं। छोटे से यहाँ आ रहे हैं, कम से कम 15-20 साल से रेगुलर आ रहे हैं, और हम लोग का शरीर कसरत करने से फिट फाट बॉडी रहती है। यहाँ वाटर पार्क में बहुत अच्छा नहाने में आनंद आता है, कई बच्चों को तैरना सिखाते हैं और बहुत फल आनंद लेते हैं। डॉक्टर भी सलाह देते हैं, कोई बीमारी नहीं होती हम लोगों को। जल क्रीड़ा करने से बहुत आनंद आता है। कितने प्रकार की जल क्रीड़ा करते हैं आप लोग पानी में? बहुत गोता लगाते हैं, तैरते हैं, डुबकी खाते हैं, बहुत आनंद आता है। कई प्रकार की कसरतें हो जाती हैं, उससे शरीर स्वस्थ रहता है। उनसे चाहूँगा आपसे जल क्रीड़ा करने से क्या लाभ होते हैं, किस प्रकार की जल क्रीड़ा करते हैं आप लोग? मैं यहाँ पर समस्त प्रकार की जल क्रीड़ा करता हूँ, तैरता हूँ, हाथ पैर चलते हैं, पेट की नसें खिंचती हैं, पेट का मोटापा कम होता है, चर्बी छटती है, और जिस प्रकार से भूख कम लगती है तैरने से भूख भी ज़्यादा बढ़ती है, और बच्चों में मोबाइल की समस्या से भी दूर होते हैं क्योंकि उतने समय तक आप बच्चों को तैराते हैं, बच्चों में भी खेलने का बहुत रुचि होती है और विभिन्न प्रकार की व्यायाम भी बच्चे करते हैं।
तो ये किस तरह के मतलब क्या क्या व्यायाम करते हैं आप लोग पानी में? पानी में हम तैरते हैं तो मेरे पैर भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, जिससे पैरों की समस्या और स्पाइनल कॉर्ड की समस्या है। मुझे अभी एक महीने पहले डॉक्टर ने स्पाइनल कॉर्ड से मैं बहुत पीड़ित था, एक महीने पहले ही सलाह दी है और मैं एक महीने से यहाँ आ रहा हूँ और मुझे बैकबोन और पैरों की में सुन्नपन का एहसास होने लगा था, जो अब मेरे तैरने से मुझे इसमें काफ़ी राहत महसूस हो रही है। इस प्रकार बच्चे भी यहाँ तैरते हैं, आसन लगाते हैं, पैर ऊपर चलाते हैं, बैक होके तैरते हैं, जिससे बच्चों में बहुत तरीके का उनका शरीर फिट रहता है।